डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड तो चाहिए ही। इसके बाद आपको शुरुआत होगी अकाउंट ओपनिंग की, जहाँ पे सबसे पहले आपको देना है अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एज पर योर आईडी कार्ड, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ देनी है एज पर योर पैन कार्ड, बाकी की डिटेल्स दे देनी है आप लोगों को। अब यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट आईडी प्रूफ का, तो इसमें सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड को या पैन कार्ड किसी एक डॉक्यूमेंट को चूज कर लेना है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कोई भी चूज कर लिया, उसके बाद जो हमारा डालना है आधार कार्ड नंबर डालना है जैसे मैंने कहा था। इसके बाद आपकी जो है केवाईसी वेरिफिकेशन होगी, जिसमें याद रखना लाइट्स अच्छी होनी चाहिए, चश्मा वगैरह आपने ना पहना हो, बैकग्राउंड एकदम क्लियर हो, एकदम प्लेन हो। एंड इसके बाद आपकी एक सेल्फी ली होगी, सेल्फी ली जाएगी। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सीकेवाईसी नंबर, फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपने बेसिक डिटेल्स डाली होगी या पर्सनल डिटेल्स डाली होगी वो सब दिख जाएगा। हालांकि अब आपको डालना भी पड़ेगा अगर आपने नहीं। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू लोन पाव यूट्यूब चैनल। और हमने जैसे कि रिसेंट वीडियो में एयरटेल पेमेंट बैंक से कैसे पर्सनल लोन लेना है इसके बारे में हमने वीडियो किया था, तो आप लोगों का ही सवाल था कि भाई आप ये भी बताओ कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक या मान लो एयरटेल बैंक से ही हमें एयरटेल से ही पर्सनल लोन लेना है तो कैसे ले सकते हैं, क्या एयरटेल फाइनेंस हमें पर्सनल लोन अप्लाई करने के अलावा हमारा यहाँ पे अकाउंट ओपन करने की जो है सुविधा देता है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो बिल्कुल हाँ, आप लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट में भी ओपन कर सकते हो। मे भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद इनिशियल डिपॉजिट में कुछ अमाउंट लेना पड़े, लेकिन मोस्टली लोग इसको जीरो बैलेंस के नाम से जानते हैं, तो मुझे लगता है शायद मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी शायद, जो भी आपको आगे चलकर हम दिखाएंगे तो उस बेसिस पर है। लेकिन एक्चुअली में जीरो बैलेंस है भी या नहीं भी है ये भी आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात की बिना डॉक्यूमेंट्स के क्या यहाँ पे ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन होगा, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। तो देखो, जब आप कोई भी बैंक में आप अकाउंट ओपनिंग के लिए जाते हो तो क्या मिनिमम डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लगते हैं? लगते होंगे। तो क्या वो हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे आपका अकाउंट ओपन हो तो ये तो जरूरी ही है, लेकिन मेरा मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के अकाउंट ओपन हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं है कि आप लोग उसको जुटा ना पाओ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक में कैसे हम अपना अकाउंट ओपन करेंगे, और डिजिटल बैंक अकाउंट भी आप इसको कह सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम, और हम शुरू करेंगे अपनी आज की इस वीडियो को। ये वीडियो देख रहे हो आप लोग, वीडियो के जैसे नीचे टाइटल है, टाइटल पे से क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आप मिलेगी वेबसाइट लिंक। सबसे पहले इसी पे क्लिक करना है, करते आप सीधा पहुंचोगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको मिलेगी ये कैटेगरीज काफी सारी। अब क्योंकि आपको इसके अंदर बैंक लोन है, पर्सनल लोन है, बहुत सारी चीजें, तो इसमें आपको अकाउंट्स के ऑप्शन में जाना होगा, क्योंकि आपको एक करंट अकाउंट या फिर कहा जाए तो दूसरा कोई अकाउंट ओपन नहीं करना। अब मेन अकाउंट के ऑप्शन को ढूंढना है, जिसके अंदर सेविंग्स अकाउंट भी होता है, सैलरी अकाउंट भी होता है, करंट अकाउंट भी होता है। सेविंग्स अकाउंट को आपको ढूंढना होगा। अगर वो नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको डायरेक्टली सर्च पे आना है और जिस बैंक में आपको अपना जो अकाउंट खोलना है, जैसे आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अपना डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो इतना ही डालो, और इतना सर्च करने के बाद आपके सामने रिजल्ट आएगा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपनिंग कैसे करें। आपके सामने ये कंटेंट आएगा, कंटेंट को जैसे ही ओपन करेंगे आप लोगों के सामने प्रॉपर ओपन होगा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपनिंग क्या है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अकाउंट कैसे आप लोग खोल सकते हो, खाता कैसे खोल सकते हो, ऑल ओवर दीज थिंग आपके सामने आएगा, जिसके अंदर बहुत सी चीजें कि भाई कैसे क्या ऐसे क्या प्रोसेस है। और ये जो आप सवाल पूछ रहे थे कि भाई क्या बिना डॉक्यूमेंट्स में या मिनिमम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मोस्टली बताया जाता है कि आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसके अलावा भी अदर डॉक्यूमेंट्स की नीड होने वाली है क्या। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे फंड योर अकाउंट का भी सेगमेंट है, तो मे बी आपको कुछ अमाउंट भी डिपॉजिट करना पड़ सकता है, लेकिन अभी श्योर नहीं हूं क्योंकि अभी हम आगे चल के पता लगाएंगे। और भी चीजें वेरीफाई आइडेंटिटी के तौर पे या रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या चाहिए वो सब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो देखो, अकाउंट ओपनिंग तो हम करके दिखाने ही वाले हैं, उसमें कोई दोराय नहीं है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अकाउंट ओपन कैसे करना है एयरटेल पेमेंट्स बैंक में। बट यहाँ पे आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होना बहुत जरूरी, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो आप आर्टिकल्स को पूरा पढ़ोगे तब। अब जहां तक बात रहती है इन्फॉर्मेशन को पढ़ लिया है और बाकी अब आके क्या करना है आपको, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिंपली विजिट का लिंक, इस पे क्लिक करना है और क्लिक करेंगे सीधा पहुंचेंगे आप लोग अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर में। हालांकि जो लोग एयरटेल के सिम को यूज करते हैं या एयरटेल का जो जो भी टेलीकॉम कंपनी है ये एयरटेल जो भी यूज करते हैं इनके नेटवर्क्स को, या फिर जैसे मान लो कि कोई और भी इसके सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं, तो उनके फोन में ऑलरेडी एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन तो होगा, उसमें बोलने की बात है, क्योंकि इसके आप डाउनलोड से देखिए पता लगा सकते हो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी इन एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन क्योंकि जिनके पास एक सेकेंडरी अगर बैंक अकाउंट ओपन करने के तौर पे अगर एयरटेल पेमेंट्स बैंक को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी इस एयरटेल ऐप थैंक्स ऐप को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। और जब तक आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, बता दूं कि यहाँ पे इस अकाउंट को ओपन करने के काफी कुछ आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पूरी तरीके से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना मैंडेटरी है, उसके बाद ही हम आगे का सेगमेंट कंप्लीट करेंगे। तो एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है, डाउनलोड हो चुकी है, उसको करना है ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो भी आपका मोबाइल नंबर डाल के, या जहां तक बात की है कि मोबाइल नंबर आपको सिंपली तरीके से डाल लेना है, और जैसे आप मोबाइल नंबर डाल दोगे उसके बाद का जो भी प्रोसेस है वो आप लोग कंप्लीट कर लेना।
तो जैसे कि एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, उसके बाद आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल के प्रोसेस पे क्लिक करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना है। इसके बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने होम पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, स्क्रॉल करना है या मैनेज के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। मैनेज के ऑप्शन में क्लिक करोगे काफी सारे सेगमेंट मिलेगा, इसके अंदर एक ऑप्शन है आपके सामने मोर का सेगमेंट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ओपन बैंक अकाउंट, इस पर आपको सिंपली तरीके से क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कहा जाता है कि ये दुनिया का या कहा जाता है बेस्ट सेफेस्ट डिजिटल बैंक है, और यहाँ पे अगर आप पैसा रखते हो तो आपको इंटरेस्ट कमाई होगी, वो होगी 7% तक अप टू, तो बहुत बड़ी बात है। साथ में एटीएम कार्ड भी मिलेगा। अब ये एटीएम कार्ड फ्री मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी हम आगे चल के बताएंगे। और साथ ही में यहाँ पे पैन कार्ड एंड आधार कार्ड रेडी करना है, तो मैंने पहले कहा था दो मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको पैन कार्ड एंड आधार कार्ड तो चाहिए ही। इसके बाद आपको शुरुआत होगी अकाउंट ओपनिंग की, जहाँ पे सबसे पहले आपको देना है अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एज पर योर आईडी कार्ड, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ देनी है एज पर योर पैन कार्ड, बाकी की डिटेल्स दे देनी है आप लोगों को। अब यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट आईडी प्रूफ का, तो इसमें सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड को या पैन कार्ड किसी एक डॉक्यूमेंट्स को चूज कर लेना है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कोई भी चूज कर लिया, उसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट नंबर है वो हमें डालना है। एंड इसके बाद वो मोबाइल नंबर का यूज कर जो अब तक आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि वही अगर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह से लेंगे तो आपको आगे चल के बहुत ईजी होगा अकाउंट ओपन करने में। फिर कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे कैंपेन जनरेटर क्रिएट करना है। एमपिन क्रिएट करने के बाद आपका काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो वॉलेट लिमिट वगैरह सब दिख जाएगी, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अभी अभी आगे की चीजों के लिए आपको जैसे ही अकाउंट ओपनिंग सेगमेंट पे आएंगे तो पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, जैसे मैंने कहा था। इसके बाद आपकी जो है केवाईसी वेरिफिकेशन होगी, जिसमें याद रखना लाइट्स अच्छी होनी चाहिए, चश्मा वगैरह आपने ना पहना हो, बैकग्राउंड एकदम क्लियर हो, एकदम प्लेन हो। एंड इसके बाद आपकी एक सेल्फी ली होगी, सेल्फी ली जाएगी। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सी केवाईसी नंबर, फादर नेम, मदर नेम, जो भी आपने बेसिक डिटेल्स डाली होगी या पर्सनल डिटेल्स डाली होगी वो सब दिख जाएगा। हालांकि अब आपको डालना भी पड़ेगा, अगर आपने नहीं डाला है और अगर लगता है कि डिटेल्स में अगर आपने चीजें डाल भी दी है बट अगर कुछ गलती होगी तो एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद टिक मार्क करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। बाकी कुछ और एडिशनल डिटेल्स जैसे कि आपके सालाना इनकम, मैरिटल स्टेटस, कामकाज क्या है, ईमेल आईडी, या इसके अलावा बाकी की चीजों को भी आपको देकर कंप्लीट आगे बढ़ना होगा और प्रोसीड पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम बिल्कुल तकरीबन कंप्लीट करने पे हमने बैंक अकाउंट ओपनिंग सेगमेंट को, तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक फैमिली में जुड़ने के साथ बस एक वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करना बाकी है। तो उसके लिए आप शेड्यूल भी कर सकते हो या फिर आप जस्ट नाउ पे भी क्लिक करके, या फिर मान लो कि जैसे शेड्यूल पे आओगे तो वहां पे अगर वो तैयार होते हैं तुरंत के लिए तो तुरंत भी कर सकते हो। उसके बाद आपके वेरिफिकेशन कोड में सबसे पहले सेल्फी वगैरह आएगा, तो वो जो है यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड वेरिफिकेशन या अदर डॉक्यूमेंट्स जो डिमांड की जाए वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा। मे बी वो चीज करने के साथ ही यहाँ पे आपको जो है अपना एक मिनिमम डिपॉजिट का सेगमेंट आएगा। एक बात क्या देखना, जब ये वेरिफिकेशन वगैरह का पूरा कंप्लीट हो रहा हो तो मे बी आपको शायद सिग्नेचर की नीड पड़े, तो आपको वो भी करना पड़ सकता है। तो जो भी चीज वहां पे आपको एजेंट बताएंगे वो आपको कंप्लीट कर लेना है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है मिनिमम 1 रुपीज रिक्वायरमेंट टू डिपॉजिट, तो देख लेना कि अगर मिनिमम 1 रुपीज का भी डिपॉजिट कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग तो वैसे भी पॉसिबल हो चुका है। अगर मिनिमम 1 या इसके अलावा 200 तक का तो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम मुझे लगता है कि डिपॉजिट करना कंप्लीट है, क्योंकि ये सेटअप का हिस्सा है। एंड जैसी चीज कंप्लीट होगी तो आपका अकाउंट ओपनिंग सेगमेंट ओपन हो चुका है तुरंत के तुरंत। इसके बाद आपको एटीएम कार्ड चाहिए, तो एटीएम कार्ड के लिए आप डेबिट कार्ड सर्च कर सकते हो। अब देखो ये एटीएम कार्ड वैसे तो आपका एक्टिवेट हो चुका है, इस नंबर में आपको सीवीवी नंबर और आपका एटीएम कार्ड नंबर सब मिल जाएगा। इसका यूज आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के लिए कर सकते हो, बट अगर आपको फिजिकली एटीएम कार्ड चाहिए तो इसको आपको ऑर्डर करना पड़ता है, जिसके लिए सालाना इनकम, सालाना जो है आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है, तो वो चीज आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये था एक फुल फ्लेज प्रोसेस, जहां पे आपने जाना किस तरीके से एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अपने डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन किया जा सकता है, और आपको इस बात का भी जवाब मिल चुका है कि ये जीरो बैलेंस खाता है या नहीं। तो बस यही था इस वीडियो में, आशा करेंगे वीडियो में बहुत सी चीजें समझ में आ गई हो, और कोई भी डाउट हो कॉमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए।